अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो करंट पेपर आपसे शेयर करेंगे टुडे CS11 फाइनल टर्म जो करंट पेपर है वो 1 शेयर करेंगे। इसके बाद हम आपसे पेपर 2 शेयर करेंगे। तो MCQs क्या थे कंप्यूटर जो कि ये पेपर हुआ है CS11 का, तो कंपाइलर एंड एडिटर जो है वो बताएं। तो अंडर द विच सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के अंडर क्या था, ये MCQs था आपका। उसके बाद ये बताना था, उसके बाद आपने बताना था SLDC ये क्या होता है, इसके बारे में आपने बताना था। गौर से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करें, 4 को रीड आउट करें, ठीक है। यानी कि आपने ब्लैक बॉक्स के बारे में, इसके टैक्सिंग के बारे में बताने हैं, इसको क्या कहते हैं, ये आपकी आगे ना ये खाली जगह है, इसको फिल करना, ये डेफिनेशन आती होंगी तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। उसके बाद है उसके बाद माउंटेन के बारे में बताना था, तो उसके बाद इसका एब्रीवेशंस कुछ थी वो भी बतानी थी। आर नेटवर्क के बारे में बताना था। उसके बाद क्राइंग ऑफ द, ये देखें 8 वाला क्वेश्चन 2 दफ़ा पेपर में आया है, पेपर नंबर 2 में भी मौजूद है और पेपर नंबर 1 में भी मौजूद है। तो उसके बाद नेक्स्ट ये फंडामेंटल एप्लीकेशंस ऑफ फॉर द वेरिफिकेशंस क्या होती हैं, देर आर डैश, ये आप लोगों ने ढूंढ लेनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो थे ना बार बार जो पेपर में आ रहे थे, जो आपका करंट पेपर हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, और इसमें क्या है EPIC क्या होता है, एब्रीवेशन आपने उन्होंने पूछी है, IP पूछा है उन्होंने, तो IP क्या होता है, ठीक है। एब्रीवेशन EPC, इसकी एब्रीवेशन बतानी और इसकी एब्रीवेशन बतानी है आपने। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है आपसे वो है आप लोगों के मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं डेवलपिंग प्रोग्रामिंग के, बेसिक डिक्लेरेशंस पैराडाइम्स के वो थे, वो पूछे थे, वो पेपर में बार बार आ रहे थे, ये पहले आपके मॉड्यूल हैं उसी के अकॉर्डिंग बताया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, IP एड्रेस डन डूरिंग इज द कम्युनिकेशंस इंटरनेट्स विच इज द लेयर परफॉर्म्स दिस टास्क, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ रहा था। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सेल के बारे में पूछा है, सेपरेट शीट के बारे में पूछा है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हैं, लिख लें आप लोग। उसके बाद मैक्स क्या होता है, उसके बाद उन्होंने C36 क्या होता है, E36 क्या होता है, E7 क्या होता है और E12 क्या होता है, ये इसके बारे में उन्होंने पूछा है। उसके बाद है कि राइट द सेलेक्ट इज द क्यूरी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये पूछी हैं उन्होंने। उसके बाद आप लोगों को एम्प्लॉय के बारे में पूछा है, ID और 1, 2, 3, 4 है और इसका जो है एक एम्प्लॉय का टेबल बना के दें। उसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ड्रा द आपने करना है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में क्वेश्चन किया गया है, लेआउट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इसके बारे में, ये प्रोग्राम उसके बारे में पूछा है कि आपके पास ये आपकी डेटा टाइप्स ली हुई और करेक्टर्स हैं 25, ठीक है, इसको आप लोगों ने ड्रा करना है इन एज। तो ये आप लोगों को कुछ 5 प्रोग्राम हैं वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को दूंगा CS201 के, तो वो जो है आप लोगों को करने होंगे, उसमें से इंशाल्लाह प्रोग्राम भी आएगा। हाउ डू टू कमांड ऑफ द एडिटिंग ग्रुप्स हैव द रिबन लिस्ट इन 3 जो रिबन्स हैं इनकी कमांड्स जो हैं वो बताएं। बड़ा कमाल के क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, लेकिन आप लोगों ने तैयारी की है तो फिर है, ठीक है। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ इमेज, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। उसके बाद प्रोसेसिंग वाला, उसके बाद नेक्स्ट 2 डे पेपर जो है वो हम शेयर करेंगे आपसे। ये वाला 2 पेपर जो है ऑब्जेक्टिव्स उसने पूछा था, बिटवीन जो हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज इनके दरमियान फ़र्क बताएं, व्हाट इज रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड क्या होता है, हाउ इज डिफाइंड सिंटैक्स ऑफ एरर, रे मैंने आप लोगों को बताया था रे का जो सिंटैक्स है वो बार बार पेपर में आता है, व्हाट इज़ द पेयर ऑफ द रिबन्स ऑफ द MS वर्ड्स इनके बारे में बताना है। उसके बाद वो कहता है हाउ इज़ मैनी टाइप्स ऑफ द शॉर्ट इन दिस MS वर्ड्स, कुछ मैनी टाइप्स, कुछ टाइप्स बताएं MS एक्सेल की। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि फार्मूला ऑफ द सम एड रॉ फार्मूला बताएं और 3 जो रॉ हैं एड्रेस हैं इनको कैलकुलेट करके दें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ज्योमेट्रिक्स की करैक्टिस्ट पूछी हैं। उसके बाद आप लोगों को से एक प्रोजेक्ट्स के बारे में, टीचर्स के स्टूडेंट्स हैं और इसका एक ग्रेटर देन ये रहे, तो आप एक जो है प्रोग्राम जो है वो राइट करके दें, एक प्रोजेक्ट जो है वो राइट करके दें। तो
इसके बाद स्टाइल के बारे में पूछा है, वर्ल्ड के अंदर स्टाइल्स क्या होते हैं एमएस वर्ल्ड के अंदर, वो आप लोगों ने बताने होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक डिप्लोमा में फ्रीलांसिंग एंड डीजी स्किल्स, डीजी लिटरेसी हो रहा है, उसमें आप लोग एफिलेशंस रजिस्ट्रेशन ज़रूर आप करवा लें, हो रही हैं इंशाल्लाह, मैं कर भी रहा हूँ रजिस्ट्रेशंस, अगर जिसने करवानी हो तो वो मुझसे रबता कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है मैच इज़ अ कॉमन ए एंड बी राइट टू द कॉलम, आप लोगों ने लिखना है सी। अर्थमेटिक सेपरेटर कौन से होते हैं, वन माइनस प्लस, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवीज़न जो है ये अर्थमेटिक सेपरेटर हैं, ठीक है। उसके 12वां क्वेश्चन पढ़ लें, यूज़ ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट को यूज़ क्यों करते हैं। 14वां क्वेश्चन पढ़ें, इन दिस सी के अंदर सी क्या है वो बताएं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स इसके पूछे हैं, यानी कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मल्टीपल चॉइस हैं पेपर नंबर 2 के अंदर, वो पूछे थे एमएस वर्ल्ड के बारे में, उन्होंने क्वेश्चन किया है, ठीक है। इसके अंदर डैश दे दी है, ये आप लोग खुद खुद पढ़ लें। डोमेंशन रे आ गया, ज्वाइन आ गया, इसके बाद रॉ आ गया, इसके बाद रॉ की डेफिनेशन आ गई टी यू बी एल ई, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से 5वां ऑब्जेक्टिव्स पूछा, व्हाट इज ट्री क्या होता है, इसका आगे बताना होता है, ठीक है। उसके बाद एमएस वर्ल्ड के अंदर से आगे स्किप कर दिया, ठीक है, आगे क्या आता है ये आप लोगों ने बताना है। उसके बाद आप लोगों का मॉड्यूल जो था 1, 12, 13, 14 और ग्राफ वाला जो लाजमी है उसमें से एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल लिख लें, इसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक पार्ट टेस्टिंग इसके बारे में पूछा है, ग्रास बॉक्स टैक्सिंग ये क्या होता है इसके बारे में पूछा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन मजीद हैं ये पढ़ लेने, केस टूल क्या होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोल स्ट्रक्चर लूप, लूप क्या होता है, किसी चीज़ को बार बार घुमाया जाए तो वो लूप कहलाता होता है, ठीक है। ये सारा के सारा जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे हैं जी डी स्टूडेंट्स। इसके बाद आपसे डिफरेंस बिटवीन्स इम्पेरेटिव्स एंड द डिक्लेरेटिव्स पैराडाइम्स ये पूछे हैं, डिफरेंस बिटवीन द एमएस वर्ड्स एंड पावर पॉइंट्स क्या आता है, हो इज मैनी, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछ लिए हैं उन्होंने। तो बाकी वो कह रहा था बाकी क्वेश्चन बहुत बोरिंग और से थे और अजीब थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे हैं जी डी स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप लोगों को पेपर शेयर करते रहेंगे और सब कुछ बताते रहेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, आल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाले भी पेपर हैं जो आप लोगों को वो आसानी से जो हैं वो मिल सकें। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल से अटैच रहें, जुड़े रहें, इसके ऊपर असाइनमेंट्स GDB और तमाम किस्म की फाइल्स और फाइनल टर्म की प्रिपरेशंस जो है वो सारी के सारी होती रहती है। मिलेंगे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में, अब आपसे इजाज़त लेंगे और इस तरह से आपसे नेक्स्ट पेपर भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।